बच्चों, आज हम अपनी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22, डाइवर्सिटी, उसका लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक डाइवर्सिटी पढ़ी, कौन कौन सी टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज़ होती हैं, फिर हमने देखा उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हमने देखा कैसे हमें अपनी डाइवर्सिटी को यूनिटी बनाना चाहिए, राइट? फिर उसमें हमने देखा कैसे हम ज्योग्राफिकली एक कंट्री हैं, एक अलग देश हैं और एक यूनिटी में हैं, पॉलिटिकली भी हमने देखा। एंड आज हम उसके आगे कल्चरल एंड रिलीजनल यूनिटी की बात करेंगे, ठीक है बच्चों? कल्चरल यूनिटी, ठीक है, आपको पता है कि इंडिया में जो कल्चर्स हैं वो बहुत डाइवर्स हैं। डाइवर्स समझते हो आप? बहुत टाइप के कल्चर्स यहाँ पे एक्जिस्ट करते हैं, ओके चिल्ड्रन? लेकिन फिर भी क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कुछ कॉमन कल्चर है, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरपुरब, पोंगल, ओनम, बीहू, ठीक है? ये सारे फेस्टिवल्स हर पार्ट कंट्री के हर पार्ट में बहुत जोरों शोरों से मनाए जाते हैं, ठीक है? भले ही अलग अलग रीजन्स के फेस्टिवल्स हैं, बट फिर भी, ठीक है, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन एक मुस्लिम फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करती है, ठीक है, हम लोग भी ईद सेलिब्रेट करते हैं। मीन्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज़ के जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे बीहू, ओनम, पोंगल, ये पर्टिकुलर रीजन में है, बट फिर भी ऑल ओवर द कंट्री इन्हें बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इन जनरल जो पूरी कंट्री है, होल कंट्री हैव सिमिलर आइडियाज़ अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज राइट्स, प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, रेवरेंस फॉर एंसेस्टर्स एट्सेट्रा। कौन सी जगहों पे हम सबका कल्चर एक साथ आके मिल जाता है? आप देखोगे कि ऑल ओवर द इंडिया अगर आप मैरिजेस कंसिडर्ड करोगे तो उसमें बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक ही जैसी होती है। वुमेन की जो सोसाइटी में प्लेस है वो भी आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे रीजन्स में एक ही जैसी है। सब अपने एंसेस्टर्स को जितना प्यार करते हैं, जितना उनको सम्मान करते हैं, वो भी आपको ऑल थ्रू आउट द नेशन कॉमन मिलेगा। इन सबके साथ गो अलॉन्ग वे टू एस्टैब्लिश दैट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया हैव सेम फीचर्स। इसके साथ हम क्या समझ सकते हैं इन सारी रीजंस की वजह से कि फेस्टिवल्स भले किसी भी पार्ट के हम साथ में मनाते हैं, जो कुछ हमारे बेसिक आइडियाज़ हैं मैरिज को लेकर हो, चाहे वुमेन की प्लेस को लेकर हो, चाहे एंसेस्टर्स को लेकर हो, उन सबके सेम फीचर्स हैं, राइट? इस सब से हम मान सकते हैं कि पूरी इंडिया में जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसके कुछ सेम फीचर्स हैं। रिलीजियस यूनिटी की बात करें बच्चों, रिलीजियस अप्रोच में भी इंडिया बहुत डाइवर्स नेशन है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी फेथ्स हैं, बट फिर भी रिलीजियस यूनिटी भी है। कैसे है? हिस्ट्री इज विटनेस टू द फैक्ट दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेथ हैव लिव टुगेदर पीसफुली एज वन। आप देखोगे हमारे पास्ट में भी अलग अलग रिलीजन्स के लोग साथ में पीसफुली एक साथ रहते थे, ठीक है? भले ही वो कौन सा रिलीजन हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ये सब क्या है, ये सब एक साथ बढ़े हैं रिलीजन। ऐसा नहीं हुआ कि कोई रिलीजन चाहता हो कि मेरा धर्म बढ़े, दूसरे का धर्म घटे। सब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, सब साथ में बढ़े हैं। और इंडिया ने एक देश की तरह सारे रिलीजन्स को अपनाया है, ठीक है, एंड अपने अनुसार उसे ढाला भी है। आज इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर से बच्चों आप क्या समझते हो? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे उसमें भी ये वर्ड सेक्युलर यूज़ होता है। सेक्युलर का मतलब होता है हमें जितने भी रिलीजन्स हैं उन सबको अपने आप को बढ़ावा देने का, अपने आप को प्रैक्टिस करने का इक्वल राइट है। जो कोई भी इंसान चाहे, वो मैं अगर अपना रिलीजन छोड़ के मैं कोई और रिलीजन फॉलो करना चाहता हूँ तो उसको पूरी छूट है। वी हैव द राइट कि हम कोई भी रिलीजन, हमारे पास फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, ठीक है, एज अ फंडामेंटल राइट। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जिसको भी, जिस तरीके से भी चाहें हम पूजा कर सकते हैं, हम जो रिलीजन चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। लाइक अगर पंजाब है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे सब सिख ही होंगे। अब जो रिलीजन चाहो आप किसी भी स्टेट में रह के
वो फॉलो कर सकते हो। हम सबके बीच में एक कॉमन बॉन्ड है, इस वजह से कहा जाता है कि हमारा भले ही कोई भी रिलीजन हो, हमसे सबसे पहले कौन है, एक इंडियन है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ऑन अ होल कह सकती हूँ रेस, कलर, कास्ट, लैंग्वेज, सबके अला इन सबके होते हुए भी पीपल के अंदर, लोगों के अंदर जो एक यूनिटी है, जो नॉर्थ हिमालय से नॉर्थ, नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में रामेश्वरम तक, ईस्ट में असम से लेके वेस्ट में रावी रिवर तक, रावी तक एस्टैब्लिश्ड है। हम सब ये पूरे डोमेन में नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हम सब एक हैं एंड अपनी जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर।